यह पोरा का गाज लगाया जा रहा है। शुरुआत में ऐसे गोल में इसको ऐसे लगा दिया जाता है जैसे यह गाज लगाया गया है, और पास में यह गाज लगाया गया पोरा का, यह पुआल है। जैसे यह गाज लगाया गया है उसी तरह यह भी गाज लगाया जाएगा, जैसा कि आप लोग देखेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ विजय विक्टोरिया। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। जैसा कि यह दोस्तों गाज है, जैसे पूरा पुआल का गाज है, इसको हम लगाएंगे और दिखाएंगे भी कि गाज कैसे लगाया जाता है। जैसा कि दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इतना पुआल रख दिया गया है। इसके बाद यह इस पर लगाया जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों लगाया जाता है पोरा का गाज। जैसे कि यह पुआल है, अब इसको ऐसे लगा दिया जाता है। जैसा कि इतना ऊंचा हमने लगा दिया है और अभी अब लगाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यह पुआल का गाज है। यह पोरा बहुत सारे कामों में यूज होता है, बस कुछ भाषा में पुआल कहते हैं इसे। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, यह पुआल है दोस्तों। जैसे कि जो परोरा का खेती किया रहते हैं तो उनके खेतों में यह बिछाने के काम में आता है। और फल फूल का टोकरी जो रहता है उसमें फल रखा जाता है, तो उसके नीचे पहले पुआल रखा जाता है। और ट्रकों में, ट्रैक्टर में और भी गाड़ी साधनों में जो भी सामग्री जाता है तो उसके उसके नीचे पहले इस पुआल को लगाया जाता है। यह बहुत सामग्री में काम आने वाला चीज़ है। और दोस्तों बता दें कि जब मेले वेले में जब केला और भी फल फूल जब आता है उसमें ट्रकों में, तो ट्रक के नीचे पहले पूरे को रखा जाता है, तब फल फूल को रखा जाता है, जैसा कि आप लोग यह देख रहे हैं। दोस्तों यह पुआल को बाल कर चारे की मशीन पर काट कर इसे पशुओं को खिलाने के काम आता है, और इसे पशु खाते हैं। और एक मशीन भी चला है लेना बालने वाला, जो थ्रेसर जैसा होता है उसको ऐसे बांधता है। तो दोस्तों जब ठंड के दिनों में जब भूसा खत्म हो जाता है, चारा खत्म हो जाता है, तो पशुओं को यह खिलाने के काम आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ऐसे गाज लगा देंगे, उसके बाद इसको बलवाया जाएगा पशुओं को खिलाने के लिए, अन्यथा कोई कोई किसी को हम लोग बेच देंगे, ताकि वो जो परोरा परवल का खेती किए हैं उन सबों के खेतों में बिछाने के काम में आता है और भी चीज़ों में काम आता है। जैसा कि यह पुआल है, देख रहे हैं इसमें धान नहीं है, इसको पीट के इसको साफ किया जाता है, तब यह साफ सुथरा हो चुका है। इतना ऊपर हम लोगों ने गाज लगा दिया है, और इसको दे दोस्तों हम लोग हम ऐसे ऐसे पीटेंगे, क्योंकि ऐसे पीटने से यह जो बाहर निकला है, ऐसे बाहर निकला है, यह सब बराबर हो जाता है। जैसे कि देखेंगे ऐसे इस तरह इसको पीट पीट के ऐसे पीट के बराबर किया जाता है। और इधर भी इतना ऊपर हम लोग लगा दिए हैं दोस्तों। यह घरों में पहल डालने के काम आता है और मड़ई बनाने के काम आता है। और दोस्तों इसको तो पशुओं को खिलाया जाता है, सभी जानते हैं। और दोस्तों यह टाटी बनाने के भी काम आता है। दोस्तों बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो इस पर खूब कूद कूद करके खेलते थे। अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो नहीं खेलते हैं। दोस्तों देख करके हम लोग इतना ऊपर लगा दिया है, क्योंकि बस अब होने ही वाला है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है, थोड़ी देर में हो जाएगा। अब हमारा भाई प्रदीप रख रहे हैं खूब सजा सजा कर। पुआल का गाज लगा दिया है हमने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही गाज लगाया जाता है। बहुत ऊपर तक लगा दिया है हमने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह पुआल का गाज। तो दोस्तों फाइनली मेरा गाज लग कर के तैयार हो चुका है। दोस्तों मैं हूँ यूट्यूब चैनल से विजय विक्टोरिया। चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।